ओके, हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. आई एम उदिता एंड आई विल बी टेकिंग अप द बिजनेस लॉ सब्जेक्ट्स फॉर योर क्लैट पीजी. सो क्लैट पीजी 2021. सो लेट्स स्टार्ट विद आईबीसी टुडे. सी, आईबीसी इज अ वेरी रीसेंट लेजिस्लेशन एंड इट्स यू कैन से इट्स एन एवर इवॉल्विंग लेजिस्लेशन. एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर 2021 एग्जामिनेशन इज बिकॉज इन द कोविड टाइम्स देर इज अ लॉट ऑफ बिजनेस में ना बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसकी वजह से आपने सुना भी होगा कि काफी लोगों के जो बिजनेसेस वगैरह हैं वो बंद भी हुए हैं. तो उस सब को मद्देनजर रखते हुए ये जो एक्ट है आईबीसी, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. सेकेंडली, ये जो लॉ है ये कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है बिकॉज ये बहुत ही रिसेंट है, 2016 का लॉ है. एंड ये अभी भी, जैसे मैंने बताया कि अभी भी ये इवॉल्व हो रहा है, मतलब इसमें अभी भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, डेली चेंज होता है. जब से आया है तब से इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हो ही रहे हैं, प्लस बहुत ही ज्यादा मेजर जजमेंट्स भी हैं एंड इट इज क्वाइट टेक्निकल. सो ये जो टॉपिक है ये कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है, बट वी सॉ इट इन 2020 का सैम्पल पेपर क्लैट का. ये वाला जो केस था ये पूछा गया था एंड दिस केस इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हैज अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ आईबीसी 2016. सो नाउ, एज द टर्म सजेस्ट, आईबीसी इट हैज टू मेन वर्ड्स, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी. व्हाट डज दीज टू वर्ड्स मीन? कैन एनीबॉडी टेल मी? किसी को कुछ आइडिया है? बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को, या फिर बिल्कुल मतलब नहीं है आइडिया इन दोनों टर्म्स के बारे में? एंड दे डू हैव अ डिफरेंट मीनिंग. किसी को कुछ थोड़ा बहुत आइडिया? एनीबॉडी वुड लाइक टू ट्राई? आई डोंट थिंक सो. चलो कोई. ओके, व्हेन योर लाइबिलिटीज एक्सीड एसेट, वेरी राइट, यस, ट्रू. सो आर यू डिफाइनिंग इंसॉल्वेंसी और आर यू डिफाइनिंग बैंक्रप्सी? इंसॉल्वेंसी, वेरी करेक्ट. सो एंड नाउ विल समवन लाइक टू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, और आर दे सिमिलर और सेम? ओके, चलो. सी, एज श्रियंका सेड दैट इंसॉल्वेंसी इज व्हेन योर लाइबिलिटीज एक्सीड योर एसेट्स. नाउ व्हाट डज इट मीन? सपोज राम ने श्याम से एक लोन लिया है 5,000 का, और राम ने बोला है कि मैं तुझे ये एक साल के बाद विद इंटरेस्ट ऑफ 1,000 आई विल रीपे. सो नाउ दिस 6,000 इज हिज लाइबिलिटी. ओके, अब वो किस तरीके से इसको रीपे करेगा वो उसका हेडेक है. श्याम के पास एक साल के बाद ये 6,000 रुपए आ जाने चाहिए, ठीक है? तो ये हो गई उसकी लाइबिलिटी. अब जो वो कैश लेके आएगा, या वो बैंक ट्रांसफर करेगा, या वो अपनी कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ करेगा, वो उसके एसेट्स होते हैं. ताकि ओके ओके यस श्रियंका, वी आई विल जस्ट मेक इट मोर रिफाइंड. आपका बिल्कुल सही आंसर है. तो जब कोई बंदा अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए अपने एसेट्स को यूज करता है, दैट इज नोन एज सॉल्वेंसी. बट जब उसकी लाइबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि उसके जो एसेट्स हैं वो कम पड़ जाते हैं टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, उसको हम कहते हैं इनसॉल्वेंसी. ओके, सो आई वाज टोल्ड टू ओके ओके सो आई वाज टोल्ड दैट आई हैव टू यूज बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, एंड सिंस इट्स अ वेरी टेक्निकल टॉपिक आई प्रेफर स्पीकिंग इन हिंदी, बट नाउ आई जस्ट स्विच ऑन टू इंग्लिश ऑल्सो एंड आई यूज बोथ द मीडियम. इज दैट ओके? ओके, सो यस, एज आई वॉज टेलिंग दैट इंसॉल्वेंसी मीन्स वेन योर लाइबिलिटीज आर मोर देन योर एसेट्स एंड वेन अ पर्सन इज अनएबल टू पे ऑफ हिज डेट्स. That state is called as insolvency. Now, of course, when Ram will not be able to pay off his debts to Shyam, तो उस केस में
जो श्याम है ही'ल ऑलवे मतलब ही'ल डेफिनेटली गो इन टू कोर्ट एंड विल फाइट द केस एंड विल आस्क कोर्ट टू यू नो रिकवर द मनी. सो इन दैट केस व्हेन देयर इज अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, जब कोर्ट डिक्लेयर कर देती है दैट सो एंड सो पर्सन और सो एंड सो डेटर इज इंसॉल्वेंट, दैट इज नोन एज योर बैंक्रप्सी. इज दैट क्लियर? सो इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट. Insolvency is a state of inability to pay off the debts, and bankruptcy is the legal declaration of insolvency. Next slide. Yes, so we'll read it here. So the code, the insolvency and the bankruptcy code has two important terms, insolvency and bankruptcy. Insolvency is the inability of a debtor to pay off his debts because his assets and liquidity. Liquidity यहाँ पे liquidity का मतलब होता है basically your cash and the bank balance. The amount of money you have in hand to be used is known as your liquidity. Are inadequate to pay off the liabilities. So inability of a debtor is a state. What state? To pay off his debts because his assets are inadequate to pay off the liabilities. Now, what is bankruptcy? When there is a legal declaration of insolvency by a competent court, a debtor is said to be bankrupt. So, jab a competent court declare kar deti hai that so and so person is insolvent or incapable of paying off the liabilities, then we say that the debtor is bankrupt. Now, to go to the court to trigger bankruptcy, either the debtor can go himself to the court or any creditor can also file an application for declaration of bankruptcy. Now, there is a very important line, and this line is important because it's like an analysis that all insolvent entities may not be bankrupt. Because bankruptcy kaun declare karega? Court declare karega. But all bankrupt entities are insolvent. Jo log bankrupt ho chuke hain, wo definitely insolvent to hain. Okay, any doubt in this? Shall we move forward? Okay. So, what was the need of IBC? Like, why was IBC enacted? It's not like that before IBC was enacted, there were no loans or there were no defaults in payment of loan. So I'm sure there must be some legislation, some kind of, you can say, a mechanism so that the loans can be recovered. What do you think? Can anybody answer this? What was the law in place before IBC for recovery of your loans? Can anybody tell? Okay, so we'll proceed. So now what happened before 2016, there were quite a few laws. Okay, DRT, SARFAESI, yes, right. So, yes. So before IBC came, there were quite a many laws for different type of entities. Like for companies, we had a different law. For individuals, we had a different law. But there was no clarity in law. All the laws were jumbled up. Second biggest problem in India was that whenever any case for recovery used to be filed in any of these courts, the time taken to realize the amount by the creditor used to go beyond 4 years. So suppose a case is filed in 2020, no recovery in the lower courts, you know, where the application is first filed, no recovery used to happen before 4 years. So the value of money after 4 years used to fall. Like if I have 1,000 rupees loan, that 1,000 rupees will not have the similar value after 4 years, right? Like if you're able to buy a thing of 5 rupees right now, maybe it will it will increase in its, I mean, it will get costlier after 4 years. So after 4 years, the value of those 5 rupees has decreased.
So similarly, the value of 1,000 rupees also decreases, and also the assets which are to be sold, like the machinery and all, they depreciate in value. So the realization used to be very less, and it used to be very cumbersome, very time consuming. So there was no fixed time during which any kind of insolvency or bankruptcy had to be completed. So this code was very much needed considering the entire global scenario. Like in US and UK, if you will see, the insolvency resolution used to take place in, say, 1 year or 2 years. And in India, it goes up till 5 years. So that is why IBC was needed. So let's just read the preamble and the statement of objects. Preamble: an act to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons. The time-bound manner here is very important for maximization of value of assets of such persons. So like earlier we used for partnerships and for individuals, but now after IBC came, we have consolidated all the laws which were existing. We have repealed a few laws, and now we have provided for resolution of the insolvency in a time-bound manner. However, due to a recent judgment of Supreme Court, I think in 2019-20, this time-bound manner has been violated. In the next classes, we'll see how it has been violated by Supreme Court. But for the time being, we need to know that the preamble does provide for a time-bound resolution of the insolvency. The second point was to promote entrepreneurship, availability of credit, and balance the interests of all stakeholders, including alteration in the order of priority of payment of government dues. So, at times, whenever if you'll see any company which has gone into insolvency, you'll realize that there are a certain government debts also, like payment of PF or payment of their dues also. We have IBC in place to establish an IBBI. So Insolvency and Bankruptcy Board of India is the regulatory authority of the IBC. So they suggest, they have their meetings regularly, and they suggest the amendments in the Act and for matters connected therewith. Next slide. Ma'am, could you please tell me, you mean the language? Okay. So now statements of objects and reasons. Now, see, there, as I told that there was no single law. India mein ek law nahi tha insolvency or bankruptcy ke liye. Isiliye we have come up with a new law that is known as IBC. So yehi jo hai, yehi sab kuch statement of objects and reasons mein likha hua hai. Now, we'll just read it, and in case anybody has any doubt in these three points which I've already discussed, let me know. So there is no single law on insolvency and bankruptcy in India. There are several statutes that provide for creation of multiple fora. So multiple fora. Am I audible? Okay. So, किसी भी तरीके के जो loans वगैरह होते थे, वो वहाँ पे जाते थे for reconstruction. माने उसको एक तरीके से फिर से हम लोग charter out करते थे कि किस तरीके से इसकी repayment हो सकती है. Okay. So the next and NCLT and their respective appellate tribunals. इसी तरीके से बहुत सारे appellate tribunals भी थे. तो because there were so many forums and there was a problem of even the jurisdiction of these all forums were intertwining. मतलब आपस में बहुत ज़्यादा confusion था कि कौन सा case कहाँ पे जाएगा. इसीलिए there was a need of IBC. So the existing framework for insolvency and bankruptcy is inadequate, ineffective, and results in undue delays in resolution, and therefore the proposed legislation means jo abhi existing framework hai India mein wo inadequate hai,
इनइफेक्टिव है एंड रिजल्ट करता है अनड्यू डिलेज में. मत एज आई टोल्ड कि 4 से 5 साल तो मिनिमम लगते ही लगते थे फॉर एनी केस टू रीच इट्स कंक्लूजन एट लोअर कोर्ट्स. मतलब लोअर कोर्ट में ही 4 से 5 साल लग जाते थे. एनी डाउट अभी तक? Shall we proceed? Okay. So now, as I said that this case has decided on the constitutional validity. So there were a lot of petitioners who challenged the constitutional validity, and there were major 6 points which I'll be discussing now. Okay. So before that, I want to tell you ki hota kya hai jab ek case NCLT mein jata hai. तो किस तरीके से कोर्ट उस केस को हैंडल करता है, क्या होता है, मैकेनिज्म आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो सपोज राम एंड श्याम है, दोनों प्रमोटर्स हैं एक कंपनी के. उन्होंने एक कंपनी बनाई अपनी एबीसी लिमिटेड, ठीक है. सो एबीसी लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड बाय राम एंड श्याम. नाउ दे हैव टेकन अ लोन ऑफ से 2 लाख फ्रॉम अ बैंक. सो 2 लाख रुपीज का उन्होंने एक लोन लिया. 1 लाख का उन्होंने सामान खरीदा से कंप्यूटर्स एंड ऑन फ्रॉम सम इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ठीक है. एंड वो भी उधार पे खरीदा. सो दे हैव टेकन इट ऑन क्रेडिट. अभी दे हैवंट मेड द पेमेंट ऑफ दैट 1 लाख. एंड ऑल्सो विथ टाइम दे हैव टू ऑल्सो पे सम गवर्नमेंट ड्यूज. लाइक इनिशियली दे वर हैविंग प्रॉफिट्स एंड नाउ अब उनका टैक्स इकट्ठा हो गया है. सो दे हैव टू पे द टैक्सेस ऑल्सो से 5 लाख. So in total, they have to make the payment of 8 lakhs, out of which 2 lakh is to be made to the bank, 1 lakh is to be made for the purchases they have made, and 5 lakh are to be, say, made to the government as your taxes or whatever you can say. So now all these three people, the bank, the electronic shop, and the government becomes what? Their creditors. And who are the debtors? The debtor here is your ABC Limited. जो कंपनी है वो ही डेटर हुई. और क्रेडिटर्स कौन हुए? बैंक हुआ, सोनू इलेक्ट्रॉनिक शॉप हुई, और गवर्नमेंट ड्यूज हुए. सो नाउ दीज थ्री क्रेडिटर्स, इनमें से सबसे जो दो इंपॉर्टेंट क्रेडिटर्स हैं वो हुए योर XYZ बैंक एंड द इलेक्ट्रॉनिक शॉप. सो द बैंक इज नोन एज योर फाइनेंशियल क्रेडिटर, एंड द इलेक्ट्रॉनिक शॉप जिससे आपने गुड्स परचेज किए थे, the shop from where you purchase the goods on credit becomes your operational creditor. Now remember the difference between financial creditor and operational creditor, because the entire IBC revolves around that. Okay, so financial creditor is the one who gives you loan for doing business. Wo creditor jo aapko paise deta hai अपना बिजनेस करने के लिए, अपनी लैंड परचेज करने के लिए, या अपनी सैलरीज पे ऑफ करने के लिए, या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, उनको वी कॉल देम एज फाइनेंशियल क्रेडिटर. दैट इज बैंक इन दिस केस. एंड व्हेन यू आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, जब आप किसी से उधार पे गुड्स खरीदते हो या कोई सर्विसेज लेते हो, तो वो आपका बन जाता है ऑपरेशनल क्रेडिटर. ओके, समझ आ गया? And the government dues are the different, we will not consider that because uski zarurat nahi hai yahan pe hame. Now suppose bank bar bar bol raha hai company ko ki hamara loan repay karo, but the company is unable to repay the loan. Ab kya hoga? They'll go to the court for recovery. So the forum which they will go is NCLT, National Company Law Tribunal under IBC. To wo wahan pe jayenge, they will submit an application for insolvency. तो वो किसी की इंसॉल्वेंसी के लिए, उस कंपनी की इंसॉल्वेंसी के लिए, दे विल फाइल एन एप्लीकेशन. नाउ NCLT विल सी इफ दिस एप्लीकेशन इज वैलिड और नॉट. नाउ दे विल सी कि ये जो, यस, बैंक इज द फाइनेंशियल क्रेडिटर, राइट. सो नाउ NCLT विल सी वेदर द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द क्रेडिटर, बी इट द बैंक और बी इट द इलेक्ट्रॉनिक शॉप, इज वैलिड और नॉट. Now suppose it is valid, so now we will say that the application for resolution has been admitted. What is the term that we use? Admission of the application for resolution. Ab resolution ka matlab kya hota hai? Resolution ka matlab ye hota hai
कि जो अभी मैनेजमेंट है राम और श्याम जो प्रोमोटर्स थे कंपनी के, विल थ्रो देम आउट एंड देयर विल बी अ न्यू मैनेजमेंट इन प्लेस ऑफ देम हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग इन मनी एंड रीपे ऑल द क्रेडिटर्स. ओके, गॉट इट? एनी डाउट अभी तक? ओके, सो नाउ व्हेन दैट एप्लीकेशन हैज बीन एडमिटेड, सो नाउ व्हेन एन एप्लीकेशन हैज बीन एडमिटेड, जब कोर्ट ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, एडमिट कर लेती है, उसके बाद एक जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं उनकी एक कमिटी बनती है. सो वी फॉर्म अ कमिटी. दैट कमिटी विल अपॉइंट एन इंडिविजुअल हु इज नोन एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. तो वो जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बने, जितने भी क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट के अथॉरिटी मतलब रिप्रेजेंटेटिव्स हो, सो हूएवर इज देयर, दे विल फॉर्म अ कमिटी एंड दैट कमिटी विल अपॉइंट एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. वो जो आईआरपी होगा वो सारा कुछ देखेगा कि किस किस के क्लेम्स ड्यू हैं, कहाँ से कंपनी को पैसा चाहिए, सब कुछ देखेगा. सो दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डे टू डे फंक्शनिंग. नाउ जो एक्चुअल कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे या जो प्रोमोटर्स थे राम एंड श्याम, दे विल बी थ्रोन आउट. उनका रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है. नाउ डिफरेंट डिफरेंट पीपल हु वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ दैट कंपनी, they will start applying. Now when they will apply, they will have to bring in money. So whoever brings the best resolution plan ki hum kis tarike se repay karenge will be given the management of the company. So this is how the whole act works. Did you get the basic idea? Okay, difference between liquidator and IRP. I'll explain this when I come to the difference between resolution and liquidation. Is that clear? ओके, सो नाउ बेसिक मैकेनिज्म समझ में आ गया सबको, किस तरीके से वील रीच द एंड ऑफ द केस, एंड दिस इज लाइक इन वेरी ब्रीफ बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट द केस. ओके, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल. सी, फाइनेंशियल क्रेडिटर इज द वन जिससे आप पैसे लेते हो अपना बिजनेस चलाने के लिए. सपोज आई एम समबडी एंड आई हैव अ वेरी गुड बिजनेस आइडिया इन माई माइंड, बट आई डू नॉट हैव द नेसेसरी मनी to buy the land or to step to buy the machinery or to pay the salaries, initial salaries. So I will approach say bank and I will discuss my plan, my business project with them. And if they like the idea and if they feel that, you know, I will be able to repay them back in future with interest, they will lend me some money. So they become my financial creditor. So they basically finance my need. They finance my business project. The operational creditor on the other hand are the ones जिनसे आप goods खरीदते हो या फिर services लेते हो. Simple example है, आप दुकान पे गए, आपने दो laptops खरीदे 50,000 के, तो total 1,00,000 rupees हो गए. And you say कि आप उस बंदे को after 1 week pay off कर दोगे. Now he becomes your operational creditor for that 1 week. ठीक है? So the person who has given you goods or services एंड उसके ल्यू में आपने अभी तक उसको पैसे नहीं दिए हैं, दैट पर्सन बिकम्स योर ऑपरेशनल क्रेडिटर. इज द डिफरेंस क्लियर, पूजा? ओके, गुड. सो नाउ वील गो इन टू द डिफरेंस बिटवीन रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन. एज आई सेड कि जब एक कंपनी को कंपनी का क्लेम एडमिट हो गया कि हाँ भाई इन्होंने पैसे नहीं पे ऑफ किए हैं, सो द वेन इट इज क्लियर दैट द मनी हैजंट बीन पेड, so new management के लिए people will start applying. We call them resolution applicant. So when the new people start applying, तो एक resolution का एक पूरा structure बनता है that how the repayment is going to take place. Okay, now suppose let's say nobody comes and nobody wants to be part of the management and they get no resolution applicant. There is nobody who is wanting to be part of that company now. The previous promoters have been thrown out. Unka to khatam ho gaya kaam. Now the new promoters who are to enter, we do not have any. So now what will be done? In that case, instead of resolution,
कंपनी गोज इन टू लिक्विडेशन. नाउ वॉट डज लिक्विडेशन मीन्स? लिक्विडेशन मीन्स वट एवर एसेट्स द कंपनी हैज, बी इट योर लैंड, बी इट योर बैंक अकाउंट, बी इट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वट एवर एसेट्स, द फर्नीचर, कंप्यूटर, एवरीथिंग दैट इज सोल्ड ऑफ, दैट इज ऑक्शन, और वट एवर इज द मैकेनिज्म, एंड वट एवर प्रोसीड्स कम, वट एवर प्रोसीड्स आर इन हैंड, दोज प्रोसीड्स आर गिवन टू द क्रेडिटर्स फॉर सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट्स, फॉर द सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स. समझ आया? Only after, it is only after order of court. Like, see, there are two type of creditors. One is secured and one is not secured. So the unsecured creditors have to go to the court for a court decree, and only then liquidation can start, basically auctioning. But in case of secured creditors, when they have the property as a mortgage, in that case, it can also auction the property, and that is also a kind of de facto liquidation only. Got it, Shyanka? Yes. So basically, to realize that also, they will, it will be sold off. No. So that is also a part of liquidation. Suppose I have given my land as a mortgage to somebody, that will be sold off. So that is also liquidation. Okay. Any doubt in the difference between resolution and liquidation? Okay. Okay, so now let's start with the arguments in Swiss Ribbon case, and we'll just take one argument and then we'll proceed. Now, as and when the arguments come, I will discuss what the observations were also, so that it doesn't become very heavy. Fine. So now the first argument was that members of NCLT and NCLAT, NCLAT is basically the appellate tribunal, are appointed contrary to the Supreme Court's judgment in Madras Bar Association versus Union of India 2015, which is popularly known as your Madras Bar Association 3 case. So this is what the petitioners are saying, that the members of NCLT and NCLAT are appointed contrary to the court's direction in Madras Bar 3 case. Whereas the respondents, that is your Union of India, it says that all the members have been appointed by a committee consisting of 2 SC judges and 2 bureaucrats in conformity with the said judgment. Next slide. Next. Next slide. Sir, next slide. Huh. So on this point, what does the court say? A selection committee was constituted to make appointments for the members of NCLT in 2005 in accordance with the aforesaid judgments. So now when the arguments were made on company's law, you do not need to go into the details of this point because it's not a very major point. But I have still put it because we never know what CLAT asks in exam, since we have seen the 2020 paper. Okay, so the court observes that the selection committee, the committee which selects the members of NCLT and NCLAT, was constituted in accordance with the aforesaid judgment. And since it was constituted in accordance with the aforesaid judgment of Madras Bar Association 1 and Madras Bar Association 2, so the members of NCLAT and NCLT right now is not unconstitutionally appointed. Got it? Ek selection committee banti hai under Companies Act. Wo selection committee was made in accordance with the aforesaid judgment of Madras Bar 1 and Madras Bar 3. Us committee ne jo members ko select kiya, they are constitutionally appointed, and hence it is not, hence there is no force in the submissions of petitioners regarding selection of members. Got it? Now, the second point was that can we have a brief explanation on Madras case as to what did it say? Okay. So, basically, in Madras Bar, it was a major judgment. And in Madras Bar case, the constitutional validity of NTT, National Tax Tribunal, was challenged. In that case, it was held that it is not constitutionally valid on a lot of points. One of the points on the appointment was that
See, what used to happen earlier is that if, say, a committee for appointment consists of 5 people, out of which 2 will be your judicial members and 3 will be your executive members, mane apna government mein se. So what used to happen if the supposed judicial members are against somebody's appointment and the 3 executive members are in favor of that appointment? So because of larger number of executive members, they used to, so because of larger number of members, they used to appoint a person who may or may not be competent for that judicial post. So it was hampering with the independence of judiciary. So that was a major point. But when the court saw the selection committee in this particular case, they realized that it is in accordance with the aforesaid judgment and hence it is constitutionally valid. Is it clear, Shyanka? Okay. Now, other point in the judgment was that now, if we will see when the case first goes to NCLT, after that in appeal it goes to NCLAT, and from there it directly goes into Supreme Court. So High Court ka is pure mechanism mein koi role hai hi nahi. Okay, so what happens is in Madras Bar 3 case, they said that in case you are taking away the appellate jurisdiction of High Court, agar aap High Court se part leke kisi ek appellate tribunal ko de rahe ho, so aapko ensure karna hai ki har ek state mein, ya fir if not possible in every one state, in every two state or in every three state, there should be one circuit bench or one appellate tribunal jahan pe wo cases chale jaye, because otherwise people from south, say in Maharashtra or in Tamil Nadu, it will become very difficult for them to hire legal service in Delhi, and currently there is only an NCLAT bench in Delhi, so it becomes very difficult for people from other places in India to approach NCLAT. So SC did note that SC noted that Union of India has assured that Madras Bar Association 3 judgment will be complied with. And how will it be complied? Now the SC has directed that Union of India will set up circuit benches of NCLAT within a period of 6 months. Okay. And it hasn't been done till now. It's beyond 6 months now, but that's a different point. So next point was that the tribunal, NCLT and NCLAT, are currently working under the Ministry of Corporate Affairs, though it should be working under the Ministry of Law and Justice as per this judgment, Madras Bar Association 1 judgment. This was also a point which was which court noted and said that it needs to be rectified at the earliest. However, since these are not very major points, court did not held the constitutional validity of IBC on these points. Got it? Any point, any doubt in these 3 points? Okay, next slide. Yes. So now another point which the petitioner made was that there is no intelligible differential between financial creditors and operational creditors. Now, if whenever we'll be reading about IBC in other classes, we'll see that financial creditors have more power, have more say in the resolution than operational creditors. Virtually speaking, operational creditors ke paas bilkul bhi power nahi hai. Unko jo financial creditors ne de diya, wo de diya. Halaki, though there are a few safeguards for operational creditors, but in this case, the petitioner said that they are not sufficient. So there's difference between financial creditor and operational creditor, and their different treatment is against Article 14, that is your right to equality. So they said that jo ye classification ki gayi hai between your financial creditor and between your operational creditor, this is constitutionally invalid, ye nahi honi chahiye, this is unconstitutional. But the court said that no, there is an intelligible differentia. Intelligible differentia ka matlab hota hai that there is some rational basis on the rational basis on which there is a distinction between your financial creditors and your operational creditors. मतलब दोनों के बीच में कुछ differences ऐसे हैं जिसकी वजह से legislation में ये दो अलग अलग तरीके से deal किए गए हैं. Is that clear? Now we'll see what are the differences which Supreme Court made.
ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज द बेंच एक्सप्लेन्ड एंड एग्जामिन्ड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर. इट सेड अ पेरिजल ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड फाइनेंशियल डेट मेक्स इट क्लियर दैट अ फाइनेंशियल डेट इज अ डेट टुगेदर विद इंटरेस्ट इफ एनी विच इज डिसबर्स्ड अगेंस्ट द कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. इट इज अ वेरी टेक्निकल लाइन विच आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन एज ईजी वर्ड्स एज पॉसिबल. लेट्स रीड फर्दर. इट मे फर्दर बी मनी दैट इज बोरोड और रेस्ड इन एनी ऑफ द मैनर्स प्रिस्क्राइब इन सेक्शन 5 क्लॉज 8 और अदरवाइज एज सेक्शन 5(8) इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन. ऑन द अदर हैंड एन ऑपरेशनल डेट वुड इंक्लूड अ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट और अ डेट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूज अराइजिंग अंडर एनी लॉ एंड पेबल टू द गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी. Okay, now what does it say? It says that financial creditor basically financial debt देता है. Now financial debt क्या होता है? एक ऐसा debt होता है जिसमें हम एक interest भी डालते हैं. आप कोई भी bank से loan लेने जाओ, they'll not give you a loan without interest. But what is the point of interest? Why is interest given? Interest is given because if suppose today I take a loan of say 5,000, tomorrow that value of 5,000 will reduce. से आफ्टर 10 ईयर्स उस 5,000 की वैल्यू वो तो नहीं रह जाएगी ना. सो टू इंश्योर दैट वट एवर वैल्यू टूडे 5,000 होल्ड्स इट हैज सेम वैल्यू इन से आफ्टर 10 ईयर्स से इन 2030. सो उस कंसिडरेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी वी पुट इन इंटरेस्ट एंड दैट इज नोन एज योर फाइनेंशियल डेट. ऑन द अदर हैंड द ऑपरेशनल डेट मीन्स money which is due against the goods and services or employment if employee salary has not been paid or any government dues. Is that clear? So basically they are trying to explain the difference between financial creditor and operational creditor which I explained initially. Okay. Next point. Financial creditors are mostly secured creditors. Whereas operational creditors are mostly unsecured creditors. So financial creditors like bank, they usually ask for some kind of a mortgage as a security. So suppose if you're taking a home loan, they will ask you to mortgage your land. They will ask you to mortgage your any property so that in case you're unable to make the payment in future, if you're unable to repay the debt, they will sell off your property and make the realization. बट जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं सपोज यू आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट दे विल नॉट आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी. यूजुअली दे डू नॉट आस्क, हाउएवर देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. तो इस तरीके से द कोर्ट मेड अ डिफरेंस दैट फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर मोस्टली सिक्योर क्रेडिटर्स वेर एज ऑपरेशनल क्रेडिटर्स आर मोस्टली अनसिक्योर क्रेडिटर्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. Now the nature of loan is different. As I told that the purpose why that loan is given by financial creditors and by operational creditors is totally different. Financial creditors generally lend finance on a term loan of a working capital that enables the corporate debtor to either set up or operate his business. On the other hand, contracts with operational creditors are relatable to supply of goods and services in the operation of business. Means financial creditors आपको पैसे देते हैं अपना business setup करने के लिए या उसको चलाने के लिए, जबकि जो operational creditors होते हैं वो आपको पैसे देते हैं ताकि वो आपको goods and services sell off कर सकें. Okay? Next point. Financial creditors are involved with assessing the viability of corporate debtor. कोई भी बैंक अगर आपको लोन दे रहा है उससे पहले दे विल सी इफ यू हैव द केपेबिलिटी और इफ योर बिजनेस इज गुड इनफ टू रीपे द डेट. सो वो आपकी पूरी वायबिलिटी चेक करते हैं. कॉर्पोरेट डेटर यहाँ पे मतलब कंपनी की, कि वो कंपनी इतनी है उसके पास इतना सफिशियंट अमाउंट ऑफ एसेट्स और विल द बिजनेस एबल टू ग्रो. सो वो सब चीजें एक फाइनेंशियल क्रेडिटर देखता है बट एक ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं देखता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. वेयर एज अ क्लेम गिव्स राइज टू अ डेट ओनली व्हेन इट बिकम्स ड्यू, अ डिफॉल्ट अकर्स ओनली व्हेन अ डेट बिकम्स ड्यू एंड पेबल एंड इज नॉट पेड बाय द क्रेडिटर. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज,
जब एक फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है वो एनसीएलटी में अगेंस्ट अ कॉरपोरेट डेटर तभी जा सकता है जब एक डिफॉल्ट होता है, और डिफॉल्ट का मतलब है कि आपका एक डेट था वो ड्यू है, वो पेबल हो चुका है. मतलब सपोज आपने किसी को प्रॉमिस किया बैंक को कि मैं 1 महीने के बाद आपको पैसे वापस करूंगा, सो आफ्टर 1 month इट हैज बिकम ड्यू, इट हैज बिकम पेबल, एंड नाउ व्हेन यू आर नॉट रीपेइंग इट, इट हैज बिकम अ डिफॉल्ट. आपने वो डेट रीपे करने में एक डिफॉल्ट कर दिया है. सो दैट इज व्हाट योर आईबीसी सेज दैट फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन गो टू कोर्ट ओनली व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट. मींस जब एक डेट है वो ड्यू हो गया है, वो पेबल भी हो गया है, एंड आपने उसको रीपे नहीं किया है. वेयर एज जो एक ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है उसको सिर्फ ये बताना होता है कि मेरे पास एक क्लेम है, मेरे पास एक राइट टू रीपेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी है. अगर उसने वो दिखा दिया कि मेरे को सो एंड सो से पैसे वापस आने थे एंड मुझे नहीं आए हैं, दैट विल बी इनफ टू ट्रिगर इंसॉल्वेंसी अंडर आईबीसी. सो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए कोर्ट ने ये बोला दैट ऑपरेशनल क्रेडिटर को तब ट्रिगर करता है जब उसका एक क्लेम आ जाता है, एंड बिकॉज अ क्लेम गिव्स राइज टू अ डेट व्हेन इट बिकम्स ड्यू. अगर आप एक बंदे के पैसे नहीं लौटाओगे फॉर द गुड्स यू हैव परचेज, तो ही हैज अ क्लेम टू आस्क फॉर पेमेंट, एंड व्हेन यू हैवंट पेड इट इट बिकम्स अ डेट. बट वेयर एज एक जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है उसको आप पेमेंट तभी दोगे जब वो ड्यू हो जाएगी और पेबल हो जाएगी, एंड वो आपके अगेंस्ट आईबीसी में तब जाएगा जब आप उस पेमेंट को नहीं पे करोगे. सो ये सबको देखते हुए कोर्ट ने बोला दैट देयर इज एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया बिटवीन योर फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड योर ऑपरेशनल क्रेडिटर. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. किसी को डाउट यहां तक? ओके, कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट पॉइंट? श्रियंका, कैन यू टेल मी वॉट एग्जैक्टली विद रिस्पेक्ट टू ओसी? ओके, कैन वी गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड? ओके, सी बेसिकली क्लेम क्लेम मीन्स राइट टू पेमेंट. सो वेन एवर इफ आई हैव परचेज सम प्रोडक्ट फ्रॉम यू, यू हैव अ राइट टू पेमेंट, फाइन. सो दैट इज योर क्लेम. Now that claim will become a debt when your payment has become due. Suppose you said that okay, take away the product, take away the goods, and give me payment by evening. Now by evening, when I haven't made the payment, it has become due. So your claim has become a debt. Why it has become a debt? Because that claim has become due. Got it? Claim becomes a debt. That is same for, yes, that is very much same for financial creditor also, but they can trigger the insolvency only when that debt is due, payable, and not paid. So this is where the difference in your IBC comes, that financial creditor has to prove a default. Default का मतलब है कि एक debt था, वो ड्यू भी हो चुका है, वो पेबल भी हो चुका है, एंड इट इज नॉट पेड बाय द डेटर. वेयर एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर को सिर्फ ये दिखाना होता है दैट मेरा एक क्लेम बनता है, वेदर और नॉट इट इज ड्यू. यस, इट कैन गो एज सून एज इट बिकम्स ड्यू. ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड. Yes, now the next point, and it's a very interesting point, that under section 24, the operational creditors, they attend the meetings of committee of creditors, they know what is going on, but they do not have any voting rights. So jo voting rights hote hain wo sirf aur sirf financial creditor ke paas hote hain. So petitioners ne ye bola, petitioners said that this is again a manifest arbitrariness on part of the legislation to not include operational creditors in the voting of the meetings of the COC. Okay, so now this was a point. Now court again said that no, they do not need the voting pass. Uska reason kya hai? We'll now read it. Okay. Under the court, COC is entrusted with the primary responsibility of financial restructuring. So now COC, the Committee of Creditors, their
वॉट इज देयर मेन ड्यूटी, देयर मेन ड्यूटी इज टू इंश्योर दैट द कॉर्पोरेट डेटर मीन्स जो कंपनी है दैट हैज गॉट इन टू सच अ बैड स्टेट, उसकी हमें फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग करनी है. एंड हाउ इट विल बी पॉसिबल? बाय ब्रिंगिंग इन द न्यू मैनेजमेंट. सो दैट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. और वो एंड नाउ वॉट डज सीओसी डू टू इंश्योर दैट इट इज बिकम, मतलब टू इंश्योर द फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, दे असेस द वायबिलिटी ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर. Assessing the viability means what all assets does this corporate debtor have, what all whatever information it is able to gather about it, कि उसके उस कंपनी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमें इसकी मैक्सिमम रियलाइजेशन होगी, वो उस कंपनी को स्टडी करते हैं. एंड आफ्टर स्टडिंग दिस दे कम टू अ सर्टेन अमाउंट दैट दिस इज अ पर्टिकुलर अमाउंट जिस पर वी विल अलाउ पीपल टू टेक अवे द कंपनी, मींस जिस पर एक न्यू मैनेजमेंट आ सकती है. सो ये डिसीजन सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ले सकते हैं. नाउ बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक योर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस इन ऑल, उनके पास इस तरीके से इक्विपमेंट्स होते हैं दैट दे कैन स्टडी द बिजनेस ऑफ अ कॉर्पोरेट डेटर एंड नो इफ इट इज केपेबल इनफ टू बी सोल्ड टू समबडी एंड एट वॉट प्राइस. ओके, सो दे आर बेस्ट इक्विप्ड टू असेस द वायबिलिटी एंड फीजिबिलिटी ऑफ द बिजनेस which is not possible by an operational creditor, and that is why they haven't got a say in COC. जो operational creditor है जिनसे आपने goods खरीदे थे and payment नहीं की थी, they only have one interest and their only interest is in repayment or recovering the amount of their goods, be it of 1 lakh or be it of 10,000. बट जो एक फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है उसका इंटरेस्ट जरूरी नहीं है कि ये हो कि मुझे पैसा सारा का सारा मिल जाए. उसका ये इंटरेस्ट होता है कि ये जो बिजनेस है इट शुड स्टार्ट फंक्शनिंग अगेन, एंड जिस तरीके से पहले मुझे पैसा मिलना था से पर मंथ और पर ईयर, मुझे उस हिसाब से मिले. ओके, सो देयर इंटरेस्ट इज इन रीस्ट्रक्चरिंग, किस तरीके से ये बिजनेस फिर से चलने लग जाए. जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं उनका सिर्फ इतना फोकस होता है कि मुझे ये जो अमाउंट मेरी पेंडिंग है ये मुझे वापस मिल जाए. सो दैट इज व्हाई ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैवंट बीन गिवन अ से इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. ओके, एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट स्लाइड. Further, the rights of operational creditors are safeguarded as a resolution plan cannot be passed unless a minimum payment is made to operational creditors being not less than liquidation value. इसका मतलब ये है that अब petitioners ने ये बोला that since we are not given a say, the operational creditors are not given a say, तो हमारे rights तो फिर violate होंगे. What if we do not get any amount? So the court noticed that a resolution plan मतलब जो नई मैनेजमेंट आ रही है उसका जो प्लान है वो तब तक अप्रूव नहीं हो सकता जब तक उसमें एक मिनिमम पेमेंट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए इंश्योर ना की गई हो, और वो मिनिमम पेमेंट जो है वो लिक्विडेशन वैल्यू से कम नहीं हो सकती है. एंड लिक्विडेशन वैल्यू मींस कि अगर कंपनी सपोज लिक्विडेशन में जाती और इसके सारे एसेट्स हम ऑक्शन करते तो वो जो अमाउंट आती उस अमाउंट को बोलते हैं लिक्विडेशन वैल्यू. तो उस लिक्विडेशन वैल्यू से हो सकता एक ओसी का. हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके ओके, सो उस लिक्विडेशन वैल्यू से कम नहीं हो सकता एक ओसी का क्लेम. ओके, गॉट इट? सो इस तरीके से देयर इंटरेस्ट हैव आल्सो बीन सेफगार्डेड अंडर आईबीसी. So for all these reasons, the court held that the operational creditors are not discriminated against Article 14, or I mean their rights are not interfered with. Any doubt in this point? Not less than the liquidation value. See, it means that whatever job, if suppose the company goes into liquidation, the liquidation mein kya hoga? Jitne bhi assets hoenge. No, it's not necessary. See, what happens is, I'll tell you. Suppose I have a business and the land ki value is 1 lakh rupees. Okay, and building ki value is again 1 lakh rupees. And sari jo machinery vigaira hai, that is also 1 lakh.
सो द टोटल वैल्यू कम्स डाउन टू 3 लाख. नाउ दिस 3 लाख, इफ आई सेल द लैंड एंड इफ आई सेल द इक्विपमेंट्स एंड इफ आई सेल एवरीथिंग, आई विल गेट हाउ मच इन माई हैंड? 3 लाख रुपीज. दैट इज वॉट योर लिक्विडेशन वैल्यू. बट वेन द रेजोल्यूशन प्लान हैपन्स, यू नो, वेन से योर जब एक प्लान बनता है, एक नई मैनेजमेंट आके बोलती है दैट ओके वी आर रेडी टू गिव मनी फॉर दिस कंपनी, दैट डेफिनेटली विल बी अबव 3 लाख, से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख और मे बी 10 लाख. सो वो कितनी अमाउंट होगी वो सब कुछ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स डिसाइड करते हैं, जिसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं. सो ऑब्वियसली दे विल फर्स्ट सेफगार्ड देमसेल्व्स. एंड प्लस जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं ना, दे आर यूजुअली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. बैंक कभी भी आपको विदाउट मॉर्गेज नहीं देगा. सो सपोज लैंड आपने अपनी कंपनी की बैंक को गिरवी दे रखी है, सो वट एवर विल बी रियलाइज फ्रॉम दैट विल फर्स्ट गो टू बैंक एंड द लेफ्ट ओवर अमाउंट विल गो टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. सो दिस इज हाउ इट फंक्शंस. गॉट इट? ओके. For all these reasons, the court held that operational creditors are not discriminated against, or that Article 14 has been infracted either on the ground of equals being treated unequally or on the ground of manifest arbitrariness. Can someone tell me this manifest arbitrariness comes from which case? In which case was it discussed? It's a constitutional law, very important case. It came in CLAT 2020 also. Okay, it was discussed in Shaira Banu. It's a very important point. Not very sure, but it was Joseph Shine is one case. Yes, Shaira Banu is the, I mean, one of the most important judgment on manifest arbitrariness. So whenever you're reading any point on manifest arbitrariness, do not forget to read Shaira Banu. Even in this case, they made reference to Shaira Banu to show how this is manifest arbitrariness. The petitioners relied on that judgment. Okay, next slide. Okay, so now there is one section, section 12A, and which was inserted in 2018. Now, why was this section inserted? Is suppose bank goes to the court and says that, and now we want that resolution process should happen, and the court says okay, the court has admitted the application. Now after that, jo purane promoters the ya directors the ya jo purana management tha, that will to be thrown out. So now they go and crack a settlement deal with the bank and say that okay, as a full and final payment, we are not able to pay whatever the amount you are asking, but a little less amount, say 70% or 80%, we are ready to pay off right now. NCLT has been approached and the matter is subjudiced. So bank will not readily accept it, right? Because the case has already gone to the court. Now in that case, there can be a withdrawal of application. Okay, so application bank ne pehle dali thi और वो एडमिट हो गई थी, उसको विड्रॉ भी किया जा सकता है अंडर सेक्शन 12A, बट इट हैज टू कंडीशंस विच नीड्स टू बी फुलफिल्ड. द फर्स्ट कंडीशन इज दैट वो जो विड्रॉल की एप्लीकेशन है जो एक डेटर ने फाइल की है, वो अप्रूव होनी चाहिए बाय 90% ऑफ द COC. सो दैट्स लाइक अ वेरी हाई थ्रेशोल्ड, मींस 90% ऑफ जो क्रेडिटर्स हैं COC में वो उसको अप्रूव करेंगे, तभी वो आगे कोर्ट में कंसिडर होगी. एंड आफ्टर दैट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, सो हु द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज, दैट इज योर NCLT और द NCLAT. दे विल डिसाइड इफ इट कैन बी विड्रॉल और नॉट. डिड यू गेट इट? व्हाट डज सेक्शन 12A से? एंड देन आई विल डिस्कस व्हाट द इशू वॉज. ओके, सी व्हेन जब एक बैंक कोर्ट में गया, when the bank has approached the court for resolution, it has filed an application that our loan has not been repaid, now you start the resolution. The court will admit it, of course it will admit.
सो नाउ व्हेन इट हैज बीन एडमिटेड द मैटर इज सब जुडाइज, मतलब मैटर कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है. नाउ द डेटर गोज टू द बैंक एंड से ओके आई एम रेडी टू पे से 70% ऑफ द अमाउंट यू आस्क्ड, मैं 70% तक आपको रीपे कर दूंगा आज के आज, आप उसको एक्सेप्ट कर लो, मैं आपके साथ सेटलमेंट करने के लिए तैयार हूँ, गिव माई कंपनी बैक टू मी. सो नाउ बैंक कैन नॉट से ओके ओके फाइन गिव मी 70% एंड लेट्स गेट डन विद द केस. नो, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर विच नीड्स टू बी फॉलोड फॉर विड्रॉल ऑफ द केस फ्रॉम द कोर्ट. वो कोर्ट में से कैसे विड्रॉ होगा, पहले जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है जिसमें सारे क्रेडिटर्स हैं, दे उसमें से 90% शुड अग्री कि हाँ ये केस खत्म हो जाना चाहिए. व्हेन दे अग्री देन द कोर्ट एनसीएलटी और एनक्लैट हु आर नोन एज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दे मे और मे नॉट अलाउ द विड्रॉल ऑफ द केस. गॉट इट? दिस इज व्हाट सेक्शन 12A सेज. गॉट इट? ओके okay. So now they say that this threshold of 90% creditors is a very high threshold because obviously जो एक debtor है, जो पुरानी management है, वो तो चाहेगी ना company मेरे पास वापस आ जाए. So this 90% doesn't look good. So इसमें the court says that when a case has already reached a court, then it becomes a proceeding in rem. Proceeding in rem का मतलब होता है, in rem का मतलब क्या होता है, world at large. So it has become a proceeding for the entire world and it is no more a case or no more a proceeding between two parties being the bank and the person. Got it? So that proceeding becomes in rem, and because it has become in rem, that is why we need to consider the claims, the opinion of all the creditors. First point. Second point was that the court says that it is not like if the COC has say refused, COC 90% नहीं मानती है कि आप ये application withdraw करो, तो भी जो NCLT है या फिर NCLAT है, they can always set aside such decision of COC if they find that it is not a just decision. Got it? Read the second last point. Further, the COC does not have a last word on the subject. Under section 60, if the COC arbitrarily rejects a just settlement, मतलब एक अच्छा settlement offer एक corporate debtor ने दिया, but उसको COC ने reject कर दिया कि नहीं हम तो withdraw नहीं करेंगे, उस case में NCLT और NCLAT हमेशा ये जो COC का decision है इसको set aside कर सकती है. Got it? So it's not like COC is the last deciding authority and hence section 12A is constitutionally valid. Got it? Any doubt? Okay, let's move on to the next slide. This is a very small point and not a very major point, but we'll discuss it. So as I told, जब committee of creditors बन जाती है, वो एक बंदे को appoint करते हैं. They appoint a person who will look after all the administrative work of the कॉर्पोरेट डेटा, माने कंपनी का सारा वो देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखते हैं वंस द केस रीचेस कोर्ट. एंड ये कौन अपॉइंट करता है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स करते हैं. सो द पिटिशनर्स आर्ग्यू दैट दिस पर्सन द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज बीन गिवन एडजुडिकेटरी पावर्स, मतलब इसको कोर्ट की तरह पावर्स दी गई है. बट द कोर्ट सेज, द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट नो, द पावर गिवन टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर. It is neither quasi-judicial nor it is adjudicatory. Means they do not act like a judge or they do not act like a judicial organ. They act as an administrator. So since they act as an administrator, we cannot say that a non-judicial organ has been given judicial power. Aisa nahi hai. Second point was that whatever a resolution professional is taking a decision, he has to apply to NCLT for approval. ऐसा नहीं है कि उसने decision ले लिया, whatever the administrative decision, and it is final. No, he has to make an application to the NCLAT, to the adjudicating authority, which is of course NCLAT, ताकि वहां से वो approve हो जाए, whatever decision it is. And it further said that the liquidator, if the company goes into liquidation, the liquidator does have the judicial power.
उसकी क्वाज़ाय जुडिशियल हो जाती हैं पावर्स, बट एक जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है. प्लस ही इज लुक्ड अपॉन बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. सो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के लिए वो काम करता है और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के अंडर काम करता है. प्लस द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स कैन ऑलवेज चेंज द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इफ दे आर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस. ओके, सो द कोर्ट कंक्लूड्स दैट ही इज जस्ट अ फैसिलिटेटर, और या फिर कह सकते हो एक एडमिनिस्ट्रेटर है जिसका काम सिर्फ हेल्प करना है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को और एडजुडिकेटरी अथॉरिटी को. इसके अलावा उसका कोई और काम नहीं है. ओके, सो ये पॉइंट भी पेटिशनर्स का द कोर्ट रिजेक्ट्स. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर. सेक्शन 29A. सो बेसिकली सेक्शन 29A वाज एडेड इन 2017. दिस सेक्शन प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ पीपल हु कैन नॉट बिकम और हु कैन नॉट अप्लाई टू बी द न्यू मैनेजमेंट, हु कैन नॉट अप्लाई टू बिकम अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. जो न्यू मैनेजमेंट आती है ना, वी कॉल इट रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, कि कौन रेडी है उसको रिजोल्व करने के लिए उस कंपनी के डेट्स को. ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन नहीं अलाउड है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 29A एंड इट वॉज एडेड इन 2017 अमेंडमेंट. इट्स अ वेरी लॉन्ग सेक्शन, यू डू नॉट नीड टू गो इन टू द डिटेल ऑफ इट. वट एवर पॉइंट्स आर नीडेड वी विल बी डिस्कसिंग इन द जजमेंट. इज एवरीथिंग क्लियर इन दिस रिगार्ड कि सेक्शन 29A प्रोवाइड क्या करता है? ओके, सो सी, इस केस में पहला पेटिशनर्स का पॉइंट था दैट दिस अमेंडमेंट जो 2017 में आई है ये रेट्रोस्पेक्टिव है. मीन्स सपोज आई एम अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, आई हैव सबमिटेड माई एप्लीकेशन, नाउ बिकॉज ऑफ सेक्शन 29A आई एम बार्ड फ्रॉम फाइलिंग. सो ये जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ गया इस सेक्शन का, सेक्शन 29A का. सो द कोर्ट सेज कि रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव की बात तो हम करेंगे ही नहीं, वील नॉट गो इन टू द क्वेश्चन ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव. वाई? बिकॉज आर्सेनल मित्तल केस सेड दैट एक एप्लीकेंट हु इज अप्लाइंग टू बिकम द न्यू मैनेजमेंट और हु इज अप्लाइंग टू रिजॉल्व द इशूज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज has no vested right. उसका कोई right नहीं है कि उसको consider करना ही चाहिए या उसका जो plan है उसको approval मिलनी ही चाहिए. किसी के पास कोई right नहीं होता है. So since there is no right, we will not go into the question of retrospective or prospective application of section 29A. This was the first point. This is a post like liquidator. Which post? Yes, kind of. You can say, but not exactly like a liquidator, because liquidator is again a facilitator. But here the applicant is applying because he wants to be the part of the management. वो new management का part बनना चाहता है. That's why he is applying. Okay. So section 29AC, जो clause C है, वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि जितने भी पुराने प्रमोटर्स थे ना कंपनी के, सपोज जो एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में दिया था राम एंड श्याम वाला, सो नाउ बोथ राम एंड श्याम आर बार्ड फ्रॉम बीइंग द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट. मींस वो ये नहीं कह सकते कि ओके आई हैव मनी, आई वांट टू गिव मनी एज अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट और मैं इस कंपनी को फिर से लेना चाहता हूँ. नो, द प्रोमोटर्स, जो पहले प्रोमोटर्स थे या जो पहले मैनेजर्स थे, वो बार हो जाते हैं अंडर सेक्शन 29A. पेटिशनर्स ये कहते हैं कि सपोज दो प्रमोटर्स में से किसी एक की गलती की वजह से ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुई कंपनी में, सो आप उसको बार करो. व्हाई आर यू बारिंग द प्रमोटर हु माइट बी अ वेरी गुड मैनेजर? सो दिस इज अगेन ट्रीटिंग अनइक्वल्स एज इक्वल्स. सो द कोर्ट सेज दैट नो, योर इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 29AC इज रॉन्ग, बिकॉज वी आर नॉट जस्ट लुकिंग एट द प्रमोटर्स हु आर से criminals or who have done some malafide thing or who have done something wrong. No, that is not the aim of section 29AC.
द ओनली एम इज टू इंश्योर दैट द पर्सन हु कैन ब्रिंग मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे ज्यादा पैसा ला सकता है इस कंपनी के लिए, हम उसको दें. एंड सिंस प्रोमोटर्स के पास तो ऑलरेडी पैसे नहीं है बिकॉज दे हैव डिफॉल्टेड, वी डू नॉट अलाउ देम. ओके, that's why it is written that section 29ac is not restricted to malfeasance and hence there is no treatment of unequals as equals. means that this section is not only looking at ki kis promoter ne galat kiya aur kisne sahi kiya, aisa nahi hai. according to petitioners, keeping out good managers from the resolution process would go contrary to this objective. the court observed that the person may need not be a criminal in order to be kept out of the resolution process. means is pure process mein wo banda zaruri nahi ki criminal hona chahiye tabhi hum usko bahar karenge. wo banda aisa hai jiski integrity pe hame doubt hai ki ye repayment kar payega ya nahi kar payega future mein. okay, next point, next slide. यस, तो इसी में ही सेक्शन 29AJ में एक पॉइंट है दैट रिलेटेड पार्टी भी नहीं आ सकती है. नाउ व्हाट इज अ रिलेटेड पार्टी? रिलेटेड पार्टी हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 5 क्लॉज 24 एंड 5 क्लॉज 24A. व्हाट इज द डेफिनेशन? हु ऑल आर इंक्लूडेड? यू नीड नॉट गो इनटू इट. द ओनली पॉइंट हियर वाज दैट जो प्रोमोटर्स होते हैं उनके जो रिलेटिव्स होते हैं इवन दे आर बार्ड अंडर IBC to become a resolution applicant. so इस चीज को petitioners ने बोला कि this is very stupid point that आपने हर relative को bar कर दिया even if that relative is not associated with the business. so this point the court accepted and they relied on doctrine of nexus and discussed this case of Attorney General for India versus Amritpal in great detail and they came to a conclusion that only those relatives who are associated or connected with the business of the company, only they will be barred from being the resolution applicant. इसके अलावा जो बाकी relatives होते हैं उनपे कोई भी restriction नहीं है, कोई भी bar नहीं है and they can file as a resolution applicant. okay, means वो नई management का हिस्सा बन सकते हैं provided they were not related with the business activities. okay, doctrine of nexus, so I'm pretty sure everybody understands what nexus is. nexus means connection. okay, so isme ek bahut chhota sa point hai and this is an important point because ye 2020 mein bhi kaam aaya. we'll be studying this in great detail later that MSME jo small chote chote business hote hain ya choti companies hoti hain they are exempted from two clauses, section clause C and clause H. और ये कहाँ दिया हुआ है? That is given in section 240A. So under section 240A, the parliament, the government can say that a particular provision of IBC will not apply to micro, small and medium enterprises. A very major point, but should not be ignored also because in 2020 there is a major amendment in this also. okay, next slide. so now section 53. so I explained you resolution and I explained you liquidation. so what happens is when a company goes into liquidation or sell karke assets ko jo bhi paisa aata hai, so wo kisko pehle milega, किसको प्रेफरेंस मिलेगी, विच क्रेडिटर विल बी रीपेड फर्स्ट, दिस ऑर्डर इज गिवन इन सेक्शन 53. तो उसमें जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, द सिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, दे आर गिवन एट द टॉप प्रायोरिटी एंड जो आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं दे आर गिवन द लास्ट प्रायोरिटी. सो द पिटिशनर से दैट सिंस द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स रैंक बिलो ऑल द अदर क्रेडिटर्स दे विल नेवर गेट एनीथिंग. सो उनको कभी भी कुछ नहीं मिलेगा एंड हेंस इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. सो द कोर्ट अगेन गोज इनटू अ ह्यूज डिस्कशन ओवर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर बट द क्रक्स ऑफ इट वाज दैट व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू यू नो रीपे ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स बिफोर द ऑपरेशनल क्रेडिटर्स. इट इज बिकॉज द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो बैंक होता है, बैंक का तो काम ही यही है कि एक जने से पैसा लेना है दूसरे बिजनेस में लगा देना है.
when we will repay the banks first, so that money will go into the economy, क्योंकि वो किसी और बिजनेस वाले को पैसा दे देंगे, so that that business grows. So that is why it is important to repay the financial debts before and then the operational debts. Okay, so this difference between the usage of money has created an intelligible differentia between financial creditors and operational creditors, and which is directly related to the object of the code. Is code ka object kya hai ki hame business enterprises ko ensure karna hai that they keep running and to give a very suitable atmosphere for business in India. Okay, so that is why the court has again upheld the constitutional validity of section 53. Any doubt? Okay, next slide. Now, in the last part of the judgment, there was an epilogue. In the epilogue, the court discussed that this particular legislation is an economic legislation. Ye desh ki economy per directly impact karta hai, and that is why isme jo judicial intervention honi chahiye, the amount of intervention the judiciary can do to see the nitty-gritties, chote chote points ko dekhne ke liye, that should be least. Hamein legislation ki wisdom par bharosa karna padega. We have to trust their you can say attempt to improve the economy in with regard to this economic legislation. So the court used the term economic legislation for IBC, and when any legislation deals with economic matters or the wisdom of legislation has to be tested, the court says that hamari intervention, hamara isme ghusna will be the least. Okay, so now the court is just discussing a few observations it made about IBC. We'll just read it, not very difficult points, but they can come as part of, you can say, the comprehension passage. And you know, when you're reading the judgment sitting in the exam, it gets very difficult to quickly understand what the paragraph is trying to say. So it's always, you know, better to read good important observations beforehand so that you do not waste time in the exam. Okay, so we'll just read it, not very important point and not very difficult. So the insolvency code is a legislation which deals with the economic matters and in the larger sense deals with the economy of country as a whole. Earlier experiments, as we have seen, in terms of legislations having failed, trial having led to repeated errors, ultimately led to the enactment of the code. The experiment contained in the code, judged by the generality of its provisions and not by so-called crudities and iniquities, have been pointed out by petitioners, passes constitutional muster. So the court is saying that mana ki isme abhi choti choti errors hai, choti choti galtiyan hai, and abhi bhi you can say it's not a very refined law, isme abhi bhi kahin kahin pe mismatches hai. But having said that, since it is dealing with the economy of the country as a whole, it does pass the constitutional muster, and small problems can be handled by the legislation as and when they come. Okay, so there is no need for judiciary to interfere. There may be crudities and iniquities in complicated experimental economic legislation, but on that account alone, it cannot be struck down as invalid. Means choti choti kamiyan hai which the legislation will definitely work upon. The court must therefore adjudge the constitutionality of such legislation by the generality of its provisions and not by its crudities or iniquities or by the possibilities of abuse of any of its provisions. So the court is saying that just because there is a chance that some law can be misused or abused, we will not say that it is constitutionally invalid. The court must defer to legislative judgment in matters relating to social and economic policies and must not interfere unless the exercise of legislative judgment appears to be palpably arbitrary. Means jab tak wo bilkul gross arbitrariness nahi hai, tab tak the court will not interfere in matters relating to social and economic policies.
द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन अ बैलेंस्ड मैनर विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रादर देन सस्पेंडिंग इट्स ग्रोथ बाय डाउटिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एफिकेसी एट द थ्रेशोल्ड इटसेल्फ. सो द कोर्ट इज सेइंग दैट यस द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज वेयर जुडिशियरी एक्ट्स एज अ वॉच डॉग has to be there and it is important, but it has to be used in a balanced manner and we cannot doubt the constitutional efficacy of a particular legislation at its very initial stage, at its threshold. So this is what the court is saying. Next slide. Hello, am I audible? Okay. So we are happy to note that in the working of the court, the flow of financial resource to the commercial sector in India has increased exponentially as a result of financial debts being repaid. So the court is saying that in the small span of 3 to 4 years, this legislation has showed its positive effect. Ultimately, the total flow of resources to the commercial sector in India, both bank and non-bank and domestic and foreign, has gone up from a total of INR so-and-so in 2016 to INR so-and-so in 2017-18 and to INR. So these are just the figures the court is noting to show that how successful the court has been. So the last, whatever we have read in past 2-3 minutes, is basically relating to your judicial review, the power of judicial review, and you can say self-restraints by the judiciary. So, you know, whenever you're reading such judgments in which, though the main topic is, say, economic legislation or IBC, do not forget to go back to your constitutional law and read about judicial review. So what they can do is they'll pick up these paragraphs. And now if you haven't read these paragraphs, if you haven't read this judgment, everything in the last 2 slides will go above your head and you will be like, what are they discussing? What is happening here? So this happens in the exam because the time span is very less to, you know, quickly understand what the judgment or what the paragraph is trying to say. But if you have read it beforehand, you will quickly realize that, okay, this is a paragraph from so-and-so judgment and it is talking about judicial review. So the question solving becomes a little easier. So in conclusion, the court did upheld the constitutional validity. It did not struck down any provision, nothing. So this is about this case, a very important case. And any doubt anywhere in the entire slide anybody has? Shall we call it off for the day? Okay. Thank you so much.